हाय फ्रेंड्स, आज हम मॉडिफाई टूल बार के अंदर स्केल कमांड के बारे में देखेंगे। स्केल कमांड आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसका शॉर्टकट कमांड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो SCA, ठीक है, देन एंटर करो, स्केल कमांड में आ जाओगे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस पूछेगा, सिलेक्ट द एंटिटीज, आप एंटिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं एंटिटी को सिलेक्ट करूँगा, फिर एंटर करूँगा। फिर आपको बेस पॉइंट पूछेगा जहाँ से आपको स्केल बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्केल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मान लो आपका इसका स्केल बढ़ाना है, यानी कि डबल कर देना है। यहाँ पे आप यहाँ पे 2 करोगे, देन एंटर करोगे, तो आपका जो स्केल है यहाँ डबल हो गया। तो जनरली हम स्केल कमांड कोई भी ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ाने के लिए घटाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, मान लो इस यही हम चेक का आपको स्केल घटाना है, तो सेम यहाँ से हम स्केल लेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, देन एंटर करोगे, फिर बेस पॉइंट पूछेगा आपको। यहाँ से बेस पॉइंट यूज़ कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो, और यहाँ पे स्केल भी दे सकते हो। आपको जो भी स्केल यूज़ करना है स्केल भी यूज़ कर सकते हो। ये बढ़ रहा है आपका, मान लो यहाँ पे 0.25 चाहिए, एंटर करूँगा तो पूरा ऑब्जेक्ट स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप स्केल का यूज़ कर सकते हो। अब स्केल कमांड के अंदर बहुत सारे अलग भी ऑप्शन है, जैसे कि हम यहाँ से स्केल कमांड में जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, देन बेस पॉइंट लेंगे, फिर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, कॉपी, रेफरेंस। ओके, तो मान लो आपको जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो भी एज इट इज़ चाहिए, ठीक है, कॉपी चाहिए, तो हम यहाँ पे सी एंटर करेंगे। ठीक है, अब आपको पूछेगा कितना स्केल बढ़ाना, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखो, आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था एज इट इज़ रहा, जैसे कि मैं ये ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, ठीक है, ये एज इट इज़ रहा आपका, और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऐसे स्केल यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ आप इसके अंदर एक और ऑप्शन है रेफरेंस का। जनरली मान लो यही ऑब्जेक्ट को कुछ आपको मॉडिफिकेशंस करना है, मैं एक रेफरेंस लाइन बनाता हूँ, जैसे कि इतना आपका जो ये ऑब्जेक्ट है इतने स्केल पे बढ़ाना है। तो हम सेम चीज़ यहाँ से हम स्केल में जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे, फिर बेस पॉइंट पूछेगा कहाँ से आपको स्केल बढ़ाना है, तो मैं ये इसको बेस पॉइंट ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शंस में हम रेफरेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे R एंटर करेंगे। फिर रेफरेंस के लिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये लाइन का फर्स्ट, यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक का रेफरेंस चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा, देन एंटर। तो आपका जो स्केल है ये लाइन के रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो गया। तो ऐसे हम रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं स्केल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।